गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब जी, लेह से 25 किलोमीटर दूर, लेह श्रीनगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर, ये निशान साहिब वाली पहाड़ी से इसका व्यू नजर आता है और ये मुख्य द्वार गुरुद्वारा का। ये गुरु नानक देव जी की तपोस्थली जहां उन्होंने तप किया था। कहते हैं गुरु नानक देव जी जब 1515 से 1518 ईस्वी के दौरान नेपाल, सिक्किम, तिब्बत की यात्रा के बाद यहां से होते हुए वापस आ रहे थे, तो उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की और इसका इतिहास बताया जाता है कि यहां पर एक दैत्य था, दानव था, जो लोगों को तंग करता था इस जगह, और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने गुरु नानक देव जी से प्रार्थना की कि वे उससे उनको निजात दिलाएं। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने यह तपस्या की और वो दानव दैत्य उनसे बड़ा रुष्ट हुआ, नाराज हुआ, तो एक दिन उसने एक भारी भरकम पत्थर उनके ऊपर पहाड़ी से लुढ़का दिया। ईश्वर की कृपा और गुरु नानक देव जी का प्रताप बताते हैं कि वो पत्थर मोम में बदल गया और गुरु नानक देव जी की पीठ उसमें धंस गई। राक्षस ने उनको मरा हुआ जान लिया और जैसे ही वो नीचे उस पत्थर के ऊपर आया और उसने देखा कि गुरु नानक देव जी तपस्या में लीन हैं और पत्थर से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसने जोर से अपना पांव मारा उस पत्थर पर। ये वो पत्थर है और उसका पांव इस पत्थर में फंस गया, जिसका निशान आज भी मौजूद है। और जब उसे अपने पाप कर्म का एहसास हुआ तो उसने बाबा नानक से माफी मांगी और उन्होंने उसे नेक रास्ते पर चलने का उपदेश किया। बाद में वह नेक कार्य में लग गया। ये वो पत्थर है बोल्डर, जो यहां जब ये रोड बन रहा था ले निमू रोड, तो 1970 में यहां से सड़क निकल रही थी, तब ये सड़क के रास्ते में आ गया। इसे भरसक प्रयत्न किया गया हटाने का फौज के द्वारा, लेकिन वे पत्थर को ना हटा सके। रात को बुलडोजर ड्राइवर को जब स्वप्न हुआ कि वो इस पत्थर को ना हटाए, ये एक पवित्र पत्थर है, ये देखिए गुरु नानक देव जी की पीठ जहां धंसी थी, जहां ये उनका फोटो भी रखा गया, तो उन्होंने ये बात अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताई। अधिकारी ने निर्देश दिया कि पत्थर को हटा दिया जाए, लेकिन रात को उन्हें भी स्वप्न हुआ कि वे ऐसा ना करें, यह एक पवित्र पत्थर है। ये देखिए पांव का निशान, जो राक्षस ने पांव मारा वो ये निशान है। जैसे ही स्थानीय लोगों को पता लगा, जो बाबा नानक को उनका लामा नानक कहते थे, तो उन्होंने अधिकारियों को बताया कि यह एक पवित्र पत्थर है, इसे ना हटाया जाए। उसके बाद सड़क की डायरेक्शन चेंज कर दी गई और यहाँ ये गुरुद्वारा, जो आज गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी के नाम से
जाना जाता है बना, आर्मी ही इसकी देखरेख करती है। आर्मी स्थानीय लोगों ने मिलकर ये गुरुद्वारे का निर्माण किया। आज वर्ष भर में जितने भी सैलानी लद्दाख घूमने जाते हैं, ले जाते हैं, वो इस गुरुद्वारा को देखे बिना या दर्शन किए बिना नहीं लौटते। ये ले से 25 किलोमीटर है। बहुत ही आनंद और शांति का माहौल होता है यहाँ। गुरुद्वारा का इतिहास जो यहाँ लिखा है, वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।